Now, next question. In a particular year, a company produced 87,65,435 bicycles. Next year, the number of bicycles produced was 13,78,689, more than those produced in the preceding year. How many bicycles were produced during the second year? How many bicycles were produced during this 2 years? So in a particular year, एक particular year में जो आपकी bicycles produce हुई है वो है 87,65,435 bicycles. Next year the number of bicycle produced was आपकी जो number जो आपका next year जो आपकी cycles produce हुई है bicycles वो क्या है previous जो year था उससे कितनी ज़्यादा more than those produced in the preceding year. तो जो प्रीवियस ईयर थे उससे कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है 13,78,689. तो हाउ मैनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर. तो आपका जो आपको पहला फर्स्ट आंसर निकालना है कि सेकेंड ईयर में आपकी बाइसाइकिल्स कितनी प्रोड्यूस हुई है. सो बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर में कितनी बाइसिकल्स प्रोड्यूस हुई है आपकी 87,65,435 बाइसिकल्स. नेक्स्ट ईयर आपकी जो नेक्स्ट ईयर है वो प्रोड्यूस हुई है. Next year produced bicycles are जो आपकी previous थी 87,65,435 उसमें आप क्या add करेंगे कितनी ज़्यादा produce हुई थी 13,78,689. So आप इन दोनों को plus करेंगे so 9 + 5 = 14 का 4 carry 1, 8 + 3 = 11, 11 + 1 = 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 + 1 = 5, 5 + 6 = 11, 11 का 1 कैरी 1, 5 + 1 = 6, 6 + 8 होता है आपका 14 का 4 कैरी 1, 6 + 1 = 7, 7 + 7 14 का 4 कैरी 1, 7 + 1 = 8, 8 + 3 = 11, 11 का 1 कैरी 1 और ये आपका 8 + 1 = 9, 9 + 1 = 10. तो आपकी जो बाइसिकल्स नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूस हुई है वो है 1,01,44,124 बाइसिकल्स जो आपकी सेकेंड ईयर प्रोड्यूस हुई है. नाउ अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज टू ईयर्स. इन दोनों ईयर को अगर आप मैच करते दोनों ईयर को इंक्लूड करके आपकी बाइसिकल्स कितनी प्रोड्यूस हुई है. सो bicycles produced in for 1 year में कितनी bicycles produce हुई थी आपकी 87,65,435 bicycles. second year bicycles are produced सेकेंड ईयर आपकी बाइसिकल्स प्रोड्यूस हुई है 1,01,44,124 बाइसिकल्स. अब आपकी टोटल बाइसिकल्स कितनी प्रोड्यूस हुई है तो बाइसिकल्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज टू ईयर्स. इन दो ईयर्स में आपकी बाइसिकल्स कितनी प्रोड्यूस हुई तो आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे. फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन का नाइन, थ्री प्लस टू फाइव, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस फोर नाइन, सिक्स प्लस फोर टेन का जीरो कैरी वन, 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9,
0 + 8, 8 and 1. सो ये बाइसिकल्स हमारी प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 2,87,56,304. इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज 1,69,857,59, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी. टोटल पॉपुलेशन है एक सिटी की, वो क्या है 2,87,56,304, जिसमें से आपके जो मेल हैं वो क्या है 1,69,87,059. अब जो आपका विलेज है उसमें क्या होंगे नंबर ऑफ पीपल में, या तो आपके वुमेन्स होंगी या आपके मैन होंगे, मतलब मेल्स और फीमेल्स होंगे. सो अगर हमें मेल्स की नंबर ऑफ मेल्स गिवन है तो हम नंबर ऑफ फीमेल्स कैसे निकालेंगे, जो उसकी टोटल पॉपुलेशन है उसमें नंबर ऑफ मेल्स इतने हैं, तो अब जो रिमेनिंग होंगे वो नंबर ऑफ फीमेल्स होगी. सो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी आपकी 2,87,56,304. नंबर ऑफ मेल्स 1,69,87,059. अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ फीमेल्स, तो नंबर ऑफ फीमेल्स होगी टोटल पॉपुलेशन माइनस नंबर ऑफ मेल्स. टोटल पॉपुलेशन है आपकी 2,87,56,304 माइनस 1,69,87,059. आप इनको माइनस करेंगे 4 में से 9 माइनस नहीं होता, तो 14 - 9 = 5, 9 - 5 = 4, 2 - 0 = 2, 6 में से 7 माइनस नहीं होता, तो 16 - 7 9 आएगा आपका. यहाँ पे 4 में से 8 माइनस नहीं होता, तो 14 - 6 यहाँ पे आपका रहेगा 6, 6 - 9 नहीं होता, तो 16 - 9 होगा आपका 7. 7 में से आपको 6 माइनस करना है 1 and 2 - 1 = 1, तो आपका 1,17,69,245 जो है वो आपकी फीमेल्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बाय हाउ मच इज 56,43,879 स्मॉलर देन 1 करोड़. आपको बताना है कि 1 करोड़ में से ये कितना है स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे. जो हमारा 1 करोड़ है उसमें से हम 56,43,879 माइनस करेंगे. यहाँ पे बोरो होगा 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9 and 0. 10 - 9 = 1, 9 - 7 = 2, 9 - 8 = 1, 9 - 3 = 6, 9 - 4 = 5, 9 - 6 = 3, 9 - 5 = 4. सो ये आपका आंसर आएगा 43,56,121. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सोसाइटी नीडेड 1,85,36,000 टू बाय प्रॉपर्टी. इतने रुपीज़ उनको नीडेड है एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए. इट कलेक्टेड, उन्होंने कलेक्ट किया है 72,53,840 रुपीज़ एज मेंबरशिप फ़ी. उन्होंने मेंबरशिप फ़ी के लिए इतना अमाउंट कलेक्ट कर लिया है. एंड टुक ए लोन ऑफ, और लोन लिया है 56,75,450 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक. बैंक से लोन लिया है एंड कलेक्ट 29,37,680 एज डोनेशन. मतलब उन्होंने तीन तरीके से अमाउंट कलेक्ट किया है,
फर्स्ट उन्होंने मेंबरशिप फी ली है, सेकंड उन्होंने बैंक से लोन लिया, एंड थर्ड जो है उन्होंने क्या किया, डोनेशन लिया। हाउ मच सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, बट इतना अमाउंट कलेक्ट करने के बाद भी उनको जो अमाउंट चाहिए था 1,85,36,000 वो कलेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो कितना रिमेनिंग है, कितना ज़्यादा अमाउंट रिमेनिंग है। तो हम पहले देखेंगे कि उन्होंने जो जितने भी सोर्सेज से जो अमाउंट कलेक्ट किया वो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है उनके पास। सो कलेक्ट फ्रॉम मेंबरशिप, मेंबरशिप से कलेक्ट किया उन्होंने 72,53,840 रुपीज़। कलेक्ट फ्रॉम लोन, लोन से उन्होंने क्या किया, 56,75,450 रुपीज़ कलेक्ट किए। एंड एज डोनेशन उन्होंने कलेक्ट किया है 29,37,680। तो टोटल अमाउंट ही दे कलेक्टेड, उन्होंने टोटल अमाउंट सोसाइटी कलेक्टेड, सोसाइटी ने कितना अमाउंट कलेक्ट कर लिया है। सो आप इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे 16,30,000 16,30+8,17,17 का 1 कैरी 1 8+1 9 9+4 13 13+6 19 का 9 कैरी 1 3+1 4 4+5 9 9+7 16 कैरी 1 5+1 6 6+7 14 6+7 13 13+3 16 का 6 कैरी 1 2+1 3 3+6 9 9+9 18 कैरी 1 1+7 8 8+5 13 13+2 15। सो इतना अमाउंट जो है उन्होंने कलेक्ट कर लिया है, दैट इज़ 1,58,66,970 रुपीज़ उन्होंने कर लिए। अब हमें निकालना है सोसाइटी स्टिल, हाउ मनी सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ। तो आप क्या करेंगे, जितना अमाउंट उनको चाहिए था उसमें से ये अमाउंट माइनस कर लेंगे। उनको रिक्वायर्ड अमाउंट था 1,85,36,000 में से हम माइनस करेंगे 1,58,66,970। 0 - 0 = 0, 10 - 7 = 3, 9 - 9 = 0, 15 - 6 = 9, 12 - 6 = 6, 14 - 8 = 6, 7 - 5 = 2। सो उनको कितना अमाउंट अभी भी रिक्वायर है, 26,69,030 रुपीज़।